बात आती है जब पर्सनैलिटी टाइप्स की, तो हमारे माइंड में आता है शाय, कॉन्फिडेंट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इमोशनल, लॉजिकल और भी बहुत कुछ। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली मेल्स के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू सोशियो सेक्सुअल हायरार्की मेल्स के 6 कॉमन पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं। मीम्स वगैरह में आपने इस इंसान की फोटो अल्फा मेल में और सिग्मा रूल वाले मीम्स देखे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्फा, सिग्मा, बीटा जैसी 6 मेल पर्सनैलिटी के बारे में, और इस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा कि आप इनमें से कौन हो। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि आपकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से किससे सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो सब में कॉमन पाए जाते हैं, काफी सारे लोगों में सेम हो सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट मेल पर्सनैलिटी टाइप की, जो है अल्फा मेल। अल्फा मेल बाकी सभी टाइप्स के मेल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे जैसे वो टीनेज से आगे बढ़ते रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के अलावा अल्फा मेल आउटगोइंग होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है डिसीजन लेने की। वो एंटरप्राइजिंग होते हैं, मतलब वो किसी भी नई योजना को बनाने या फिर किसी भी काम को नए तरीके से, अलग तरीके से करने से पीछे नहीं हटते। इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही इनको बाकी लोगों से अलग बनाती है। कॉन्फिडेंस एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है। अल्फा भी कॉन्फिडेंस को ओवर टाइम सीखते हैं, तब जाकर अपनी पर्सनैलिटी को ठीक तरह से एनहेंस कर पाते हैं। वैसे अल्फा मेल को हम बैड बॉय टाइप इमेजिन कर सकते हैं, बोल्ड, लिटिल बिट एग्रेसिव, थोड़े रूड और डिमांडिंग होते हैं। और इनकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनका ईगो। जैसे ही किसी कन्वर्सेशन में या फिर किसी सिचुएशन में ये गलत साबित होते हैं, वहां पर इनका ईगो चंद्रयान से भी ऊंचा चला जाता है। यानी किसी अल्फा मेल से सॉरी सुनना या फिर सॉरी बुलवाना नियर टू इम्पॉसिबल माना जाता है। सेकंड पर्सनैलिटी टाइप है बीटा मेल। बीटा मेल मोस्टली इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन उनमें कोलैबोरेटिव स्किल्स होती हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ काम करने में अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। बस उनकी आदत होती है वो ज्यादा लोगों से मिलना, बातें करना और नए दोस्त बनाना पसंद नहीं करते। बीटा मेल को आप मिस्टर नाइस गाय कह सकते हैं। जनरली सबसे ज्यादा लाइकेबल पर्सनैलिटी मानी जाती है ये बीटा मेल। बीटा मेल्स कम एग्रेसिव और ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यही रीजन होता है कि फीमेल्स बीटा मेल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन लड़कियां बीटा मेल्स को एज अ फ्रेंड ज्यादा प्रेफर करती हैं, मोर देन एज अ लवर। यानी मोस्ट प्रोबेबली आपकी गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक बीटा मेल होगा। बीटा मेल काफी सपोर्टिव, इमोशनल और लॉयल होते हैं। यही रीजन है लड़कियां उनकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इनकी इस लाइकेबल पर्सनैलिटी को थोड़ा कम कर देता है इनका रिजर्व बिहेवियर और अकेले रहने की आदत। बीटा मेल्स एक्सप्रेसिव नहीं होते, और अगर किसी को लाइक भी करते हैं तब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें ये बात नहीं बता पाते। पर हाँ, अपोजिट सेक्स के लिए बेस्ट फ्रेंड बनने के सारे ट्रेट्स बीटा मेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। थर्ड टाइप है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल को हम सबसे शातिर पर्सनैलिटी टाइप कह सकते हैं। सिग्मा मेल एक लोन वोल्फ की तरह होते हैं, अकेला, इंटेलिजेंट और तेज। उन्हें सोशल स्टेटस का कोई फर्क नहीं पड़ता और लोगों के वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं होती। ये काफी पर्सुएसिव और पावरफुल होते हैं, किसी को भी इजीली कन्वेंस कर सकते हैं, उनका डिसीजन चेंज कर सकते हैं और अपनी बात आसानी से मनवा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप खुद एक सिग्मा मेल नहीं हो तो सिग्मा मेल से काफी अलर्ट रहने की जरूरत होती है। सिग्मा मेल्स के इन ट्रेट्स के अलावा कुछ अच्छी साइड भी मानी जाती है, लाइक वो एक अच्छे पार्टनर बनते हैं क्योंकि वो शैलो रिलेशंस यानी दिखावे की रिलेशनशिप को अवॉइड करते हैं और डीप कनेक्शन बनाना पसंद करते हैं। वो हमेशा पूरी कमिटमेंट के साथ रिश्ता निभाते हैं। उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है जो काफी सारे मेल्स मिस कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि कब अपने पार्टनर को केयर दिखानी है, पॉजेसिव होना है और कब उन्हें स्पेस देने की जरूरत है, और इन्हीं रीजंस की वजह से वो एक एक्सीलेंट पार्टनर बन पाते हैं। अगर आप एक सिग्मा मेल हो तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है। बात करते हैं फोर्थ टाइप की, जो है गामा मेल। ये है मेल्स की सबसे ज्यादा मिक्स्ड कैटेगरी। इनमें सभी मेल्स के पर्सनैलिटी ट्रेट्स कंबाइंड होते हैं और किसी एक पर्सनैलिटी के ट्रेट डोमिनेंट नहीं होते। बहुत इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर होता है इनका। ये फन लविंग, एडवेंचरस और रेस्टलेस होते हैं। अच्छा, फन लविंग और एडवेंचरस होने के साथ साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी बढ़िया तरीके से निभाते हैं, उनको श्रग ऑफ नहीं करते। वैसे गामा मेल्स को यूजुअली अल्फा मेल का मैच्योर वर्जन भी कहते हैं। सिग्मा मेल्स की तरह ये दूसरे की वैलिडेशन की वैल्यू नहीं करते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता दूसरों के ओपिनियन से। ट्राइंग न्यू थिंग्स और नई नई स्किल सीखना इन्हें काफी पसंद होता है। हाँ, अल्फा मेल का मैच्योर वर्जन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनसे ज्यादा अवेयर और उनसे ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने एक्शंस को लेकर, और इनका सेल्फ अवेयर होना ही इनकी बेस्ट क्वालिटी माना जाता है।
एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर और सपोर्टिव होते हैं गामा मेल्स। फिफ्थ पर्सनैलिटी टाइप होता है मेल का ओमेगा मेल। ये एक केयर फ्री नेचर के इंसान होते हैं, किसी के बारे में केयर नहीं करते, ज़्यादातर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने अलावा अपने 2-3 क्लोज फ्रेंड्स के बारे में ही सोचते हैं और यही इनका परमानेंट ग्रुप रहता है। ओमेगा मेल्स के अंदर बेसिक केयर मिसिंग होती है, जिस वजह से ये एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाते। इनको किसी भी इंस्पिरेशन या फिर किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। खुद को मोटिवेट करने के लिए ये अपनी इंटरनल वॉइसेस का सहारा लेते हैं। नर्डी मेल्स जो कि ओमेगा के अंदर ही आते हैं, वो बैड लिसनर होते हैं, इग्नोर करना जानते हैं और उनके अंदर इन्फॉर्मेशन स्किप करने की बहुत गंदी आदत होती है। लेकिन एक्चुअल ओमेगा मेल्स मिसइंटरप्रेट नहीं करते, डिटेल में सुनते और समझते हैं, यानी कि ये एक गुड लिसनर होते हैं। इसके बाद सिक्स्थ टाइप आता है डेल्टा मेल। एक्सट्रीमली प्राइवेट मैन, नम रहते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही अलग होता है, सबसे अलग होता है। ये लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कर चुके होते हैं जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी एक रॉक सॉलिड पर्सनैलिटी होती है। थोड़े रूड, शाय और रिजर्व नेचर के इंसान होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने की जगह हर वक्त रिवेंज के बारे में सोचते हैं, वही डेल्टा मेल है। एज अ पर्सन लाइफ में ग्रो करने से ज़्यादा ये रिवेंज के बारे में सोचने में ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं। डेल्टा मेल की इमेज उनके पार्टनर के सामने बहुत जल्दी डल और एक्सट्रीमली बोरिंग बन जाती है और इसी वजह से इनका रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं चलता। ये एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाते। ये खुद को इवॉल्व करना नहीं जानते, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, हमेशा बोरिंग रहते हैं। दोस्तों, लड़के जब टीनेज में होते हैं, यंग होते हैं, तब उनका अल्टीमेट एम होता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना, पॉपुलर होना और लोगों को अट्रैक्ट करना। लेकिन हर एक इंसान की पर्सनैलिटी बिल्कुल यूनिक होती है। अगर सिर्फ दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए आप फेक चीज़ें कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल ये फेक ओरा बस्ट हो जाएगा और आप अपनी रियलिटी में आ जाओगे। तो आप अपने कॉन्फिडेंस, करिश्मा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑरा, वाइब और इंटेलिजेंस को फेक मत बनाइए। सबसे बड़ी बात, रियल रहिए और नेचुरल रहिए। आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स किस टाइप से सबसे ज़्यादा मिलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।